नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम जानेंगे ज्योति स्ट्रक्चर लिमिटेड स्टॉक का रिव्यू। आखिर आने वाले सालों में इस शेयर की वैल्यू कहां तक जा सकती है, क्या हमें कंपनी में लॉन्ग टर्म पर इन्वेस्ट करना चाहिए या शॉर्ट टर्म पर इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या कंपनी आने वाले समय में अच्छा रिटर्न देने की कैपेबिलिटी रखती है, क्या कंपनी के शेयर को बेच देने एक बेहतर विकल्प रहेगा, अभी खरीद लेने एक बेहतर विकल्प हो सकता है। पर दोस्तों, इन सब चीज़ों को जानने के लिए हमें कंपनी को जरूरी चीज़ों को देखना होगा, तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे कंपनी की प्रोफाइल एक देखने मिल जाएगी। कंपनी की जनरल चीज़ें होती है वो सब यहाँ पे दी हुई है। अगर इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को देखें तो वही कंपनी जो है मुख्य रूप से स्मॉल कैप पे काम कर रही है। कंपनी की मार्केट कैप वैल्यू 2314 करोड़ की रही हुई है और कंपनी जो है पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के सेक्टर में काम करती है, यानी यूटिलिटीज़ में, ठीक है। ये कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से आप अधिक जानकारी ले सकते हो। तो ये तो थी भाई कंपनी के बारे में एक छोटी जानकारी। अब हम कंपनी को जरूरी चीज़ों को देखेंगे। तो सबसे पहले हमें देखना होगा पिछले 5 सालों में शेयर की कीमत में होने वाले बड़े बदलाव। तो दोस्तों, अगर हम 5 अगस्त 2019 को शेयर की वैल्यू को देखें तो उस समय में ये वैल्यू 2.44 रुपये के आसपास ट्रेड किया करती थी, और अगर 5 सालों के बाद यानी 22 जुलाई 2024 को वैल्यू को देखें तो कंपनी के शेयर की वैल्यू 2.44 से बढ़ के 27 रुपये हो जाती है, और ये मैक्सिमम गई है 33 रुपये तक। यानी कंपनी के शेयर की वैल्यू ने 2.44 रुपये से लेकर 33 रुपये तक का जो है सफ़र तय किया है। यानी कंपनी ने पिछले 5 सालों में 1028% का रिटर्न दिया है। तो जैसा कि हमने देखा भाई, ये वैसे तो एक पैनी स्टॉक रहा हुआ था पहले, पर पैनी स्टॉक भी भाई ये बढ़ के 33 रुपये हो गया, इसलिए हमें 33 रुपये कम लगते हैं। पर कंपनी ने पिछले 5 सालों में 1028% का रिटर्न दिया है, जो कि लगभग काफ़ी अच्छा रिटर्न कहा जा सकता है। तो यहाँ पे हमने एक व्हाइट बोर्ड को रखा है जहाँ पे प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट को ऐड करते रहेंगे। तो जैसे कि हमने देखा भाई कंपनी ने अच्छा रिटर्न दिया है, तो इसको हमने एक प्लस पॉइंट दे दिया है। उसके बाद हम देखेंगे कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट कि कंपनी जो है प्रॉफिट और रेवेन्यू वगैरह कैसा क्या बना रही है। तो दोस्तों, अगर 2020 में देखें तो कंपनी के द्वारा 16 करोड़ का रेवेन्यू बनाया जाता था और नेट इनकम कंपनी की माइनस में थी, यानी कंपनी नुकसान में चल रही थी 2020 के साल में। और अगर 5 सालों के बाद यानी 2024 में देखें तो कंपनी का रेवेन्यू 16 करोड़ से बढ़ के 4063 करोड़ हो चुका है। तो देखिए रेवेन्यू में कितनी बड़ी पीक देखने मिली है, कंपनी का रेवेन्यू काफ़ी अच्छा बढ़ा है 2024 तक। और अगर नेट इनकम को देखें तो ये नेट इनकम कंपनी की 2023 तक तो कंपनी नुकसान में चल रही थी, पर 2024 में कंपनी प्रॉफिटेबल होती हुई देखी जा सकती है। 28 करोड़ का कंपनी ने रेवेन्यू बनाया, 28.85 करोड़ का। तो अगर हम पास्ट को ना देखते हुए कंपनी के प्रेजेंट को देखें तो वही कंपनी काफ़ी अच्छी तरह से जो है फाइनेंशियल रूप से स्ट्रॉन्ग चलती हुई देखी जा सकती है। पर अगर हम इसमें निवेश करना चाहते हैं तो भाई हम इसके पास्ट को भी थोड़ा बहुत ध्यान में रखना जरूरी है। तो इसी हिसाब से, पर अगर अभी के लिए हम इसको एक प्लस पॉइंट देंगे प्रेजेंट की सिचुएशन को देखते हुए, ठीक है। तो इसको भी हमने एक प्लस पॉइंट दे दिया, कंपनी जो है अच्छा प्रॉफिट और अच्छा रेवेन्यू बना रही है इसलिए। उसके बाद दोस्तों, मैं देखना होगा कंपनी की एसेट्स रिपोर्ट कि कंपनी के जो यानी संपत्ति में क्या फेरफार आ रहे हैं। तो अगर 2020 में देखें तो कंपनी के द्वारा उस समय कंपनी के पास उस समय में 1678 करोड़ की संपत्ति हुआ करती थी, और अगर 2024 में संपत्ति की वैल्यू को देखें तो भाई ये बढ़ के 1678 से 2349 हो चुकी है। तो देखिए कंपनी की संपत्ति में भी काफ़ी अच्छी बढ़ोतरी देखने मिली है, जो कि एक अच्छा संकेत है। और अगर कंपनी अपनी संपत्ति में लगातार निवेश कर रही है तो ये एक अच्छा संकेत माना जाता है, क्योंकि इससे कंपनी के रेवेन्यू सोर्स भी लगातार बढ़ रहे हैं। और अगर कंपनी के रेवेन्यू सोर्स बढ़ेंगे तो ये कंपनी ज़्यादा अच्छा रेवेन्यू बना पाएगी पिछले सालों के मुकाबले। तो हमें एक प्लस पॉइंट और मिल गया है, कंपनी के एसेट्स रिपोर्ट में भी काफ़ी अच्छी रही हुई है। उसके बाद दोस्तों, हमें देखना होगा कंपनी के द्वारा दिया गया डिविडेंड। हमने देखा भाई कंपनी अपनी संपत्ति में भी निवेश कर रही है, अच्छा प्रॉफिट भी बना रही है, पर क्या कंपनी अपने निवेश को डिविडेंड का भी लाभ दे रही है नहीं। तो दोस्तों, कंपनी ने जो है 2013 से लेके 2013 में दिया डिविडेंड, 12 में 11 में 11 में दो बार दिया था, और 2010 में, मतलब कंपनी ने 2013 तक तो डिविडेंड दिया था, पर 2013 के बाद से कंपनी ने कोई भी प्रकार का डिविडेंड अपने निवेशकों को नहीं दिया। तो इससे हम ये कह सकते हैं भाई कंपनी 2013 तक काफ़ी अच्छी प्रॉफिट में चल रही थी, और उस समय में कंपनी देखिए साल में 2-2 बार डिविडेंड दे रही थी, पर आज के समय में कंपनी ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट नहीं बनाते हुए चल रही है, ठीक है। और 2024 की सिचुएशन में कंपनी जो है रिकवर होते हुए देखी जा सकती है, पर ये हमें एक अच्छा संकेत नहीं है निवेशकों के लिए अगर कंपनी अभी जो डिविडेंड पहले डिविडेंड दे रही थी अभी डिविडेंड नहीं दे रही है तो, क्योंकि ये कंपनी के ज़्यादा प्रॉफिटेबल होने की ओर संकेत करते हैं, ठीक है। तो इसको हमने एक माइनस पॉइंट देना होगा। उसके बाद दोस्तों, हमें काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ देखेंगे जो कि है कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है देखना। तो सबसे पहले हमें देखना होगा टोटल प्रमोटर होल्डिंग, यानी कंपनी के द्वारा की गई होल्डिंग। कंपनी अपने शेयर की 0% की होल्डिंग अपने पास रखी हुई है। कंपनी अपने सारे शेयर को बेच दिया है, जिसमें कंपनी के पास अभी 0% शेयर है, जो कि एक अच्छा संकेत नहीं माना जाता। तो अभी हमें यह भी तो देखना पड़ेगा भाई कंपनी के पास 0% शेयर है तो 100% शेयर में से बाकी शेयर कहाँ चले गए हैं। तो देखिए म्यूचुअल फंड के पास इसमें 0% शेयर है, ये भी एक अच्छा संकेत नहीं है। अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन जो भारत के बड़े इन्वेस्टर हैं, उनके द्वारा इसमें 2.83% शेयर रहे हुए हैं, जो कि एक अच्छा संकेत है। विदेशी इन्वेस्टर कंपनी में लगभग ना के बराबर रहे हुए हैं 0.63%, पर इसको अभी हम एक अच्छा संकेत मान लेते हैं। तो दोस्तों देखिए, रिटेल इन्वेस्टर के पास जो है कंपनी के सारे शेयर जा चुके हैं। रिटेल इन्वेस्टर कंपनी इसमें लगभग 97% रहे हुए हैं, ठीक है, 96.54%।
जो कि काफ़ी ज़्यादा है। जैसा कि हम जानते हैं अगर रिटेल इन्वेस्टर भाई 20 से लेके या 30 तक जो है परसेंट तक अगर रिटेल इन्वेस्टर किसी कंपनी में होते हैं तो अच्छा माना जाता है, पर भाई 96 तो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, इसलिए एक अच्छा संकेत नहीं है। और कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी हम एक माइनस पॉइंट देना हो, क्योंकि इसमें देखिए बड़े इन्वेस्टर तो लगभग ना के बराबर ही रहे हुए हैं, 0% ही, ठीक है, तो इसको भी हम एक माइनस पॉइंट देंगे। तो दोस्तों अभी हम प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट को कंपेयर करेंगे। उससे पहले अगर अभी तक आपने यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको जो नई अपडेट है वो मिलती रहे। तो चलिए अब हम इन दोनों चीज़ों को कंपेयर करते हैं। तो देखिए इसमें हमें 3 तो प्लस पॉइंट देखने मिले और 2 माइनस पॉइंट देखने मिले। अगर आप इसमें निवेश करने का सोच रहे हो तो ये आपके लिए एक अच्छा संकेत है, पर साथ साथ में दोस्तों निवेशकों को इन दोनों चीज़ों को भी ध्यान में रखते हुए इसमें निवेश करना एक बेहतर विकल्प हो सकता है, जो कि हमने एक तो दिया था कंपनी के इसमें डिविडेंड के लिए और सेकंड जो कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के लिए, ठीक है, कंपनी में जो बड़े इन्वेस्टर काफ़ी कम मात्रा में रहे हुए हैं, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इसमें निवेश करना एक बेहतर विकल्प हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों मैं कंपनी के बाद जैसे जैसे नई अपडेट मिलती रहेगी हम आपके साथ भी अपडेट करते रहेंगे। इसे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।